मोदी सरकार के समर्थन में नहीं है, बिल के समर्थन में। इसलिए तमाम महिलाओं हमारी बिहार की जो है सब जान चुकी है सिर्फ चुनाव के लिए। मैं अभी मौजूद हूं बिहार राज्य महिला आयोग में और यहां पर हमारे साथ बिहार राज्य महिला आयोग की अध्यक्ष भी हैं जो पहले जदयू से एमपी भी रह चुकी हैं। और इनका कहना है कि जब ये एमपी थी उस वक्त महिला आरक्षण बिल पर बात हो रही थी, लेकिन उस वक्त बीजेपी जो अभी सरकार में है वो विरोध में थी, लेकिन आज बीजेपी इस पहल को आगे कर रही है। आखिर क्या बात हो सकती है, सीधे बात करेंगे उनसे। क्या लगता है आज बीजेपी के द्वारा यह पहल की जा रही है, लोकसभा में पेश किया जाएगा बिल को, किस रूप में देखती है? देखिए, हम लोग शुरू से ही समर्थन में हैं, उस समय भी हम लोग सपोर्ट में थी, हमारी पार्टी भी सपोर्ट में थी, लेकिन हम लोग का यही था उस समय भी कि हमारी पार्टी की जो आरक्षण में आरक्षण हो, लेकिन उस समय नहीं हुआ था। लेकिन खुल करके उस समय महिला सपोर्ट के बिल में भी लोग इसमें नहीं थे साथ में, लेकिन आज यदि लाए हैं महिला बिल, हम लोग सपोर्ट में हैं, जो आरक्षण में आरक्षण हम लोगों को आरक्षण मिल रहा है, लेकिन जो मंसूबा से हमारे मोदी जी दे रहे हैं उस मंसूबा से हमारे बिहार में नहीं होने वाले हैं, क्योंकि हमारी महिलाएं आज 10 सालों में समझ गई है कि जो हमारे प्रति हमारे दुख दर्दों में कौन हमारे साथ है। इसीलिए वो मंसूबा तो हमारे बिहार में सफल होने वाले नहीं है, लेकिन मैं भी बिल के सपोर्ट में। किस मंसूबे की बात कर रही हैं, आखिर मोदी सरकार किस मंसूबे के साथ इस फैसले को ले रही है? जिस तरह महिलाओं को जो प्रलोभन देने का काम किया गया, सबसे पहले तो गैस दिए, गैस सिलेंडर का कनेक्शन फ्री दिए, और फ्री देने के बाद ही उस समय 400 की गैस सिलेंडर थी, लेकिन आज गैस सिलेंडर भले 200 रुपये घटा दिए हैं, लेकिन फिर भी 1000 की सिलेंडर है। 1000 की सिलेंडर जो व्यक्ति 200 रुपया चाहे 300 रुपया जो हमारे मजदूर जिनको दिए हैं वो रोज़ कमाते हैं, उनके लिए 1000 के सिलेंडर लेने में संभव नहीं है। इसलिए तमाम महिलाओं हमारी बिहार की जो है सब जान चुकी है सिर्फ चुनाव के लिए जुमला है, फिर से जुमला लेकर आए हैं, बहुत तरह की समस्याएँ हैं। इसलिए अब लोग बिहार के लोग समझ गए हैं, हमारी महिलाएं जो गरीब महिला हैं वो भी समझ रही हैं, ये फिर हमर को चुनाव के बाद जुमलेबाज हो जाए। किस रूप में देखती है जिस प्रकार इस बिल को आज पेश किया जा रहा है? इस बिल को पेश किया जा रहा है उससे हम लोग सब खुश हैं, लेकिन ये पहले होना चाहिए था, 10 साल पहले जो कांग्रेस लाई थी, लेकिन उन मांग था कि आरक्षण में आरक्षण को दिया जाए, जो कि नहीं होता है। अभी भी हम लोग यही चाह रहे हैं कि आरक्षण में आरक्षण दिया जाए, हम लोग खुश हैं इस बिल से। समर्थन में है मोदी सरकार के? मोदी सरकार के समर्थन में नहीं है, बिल के समर्थन में है। सरकार के समर्थन में नहीं है लेकिन बिल के समर्थन में है? समर्थन में है। तो निश्चित तौर पर बिहार राज्य महिला आयोग का साफ तौर पर कहना है कि जो बिल पेश किया जा रहा है उस के समर्थन में हम लोग हैं, मोदी सरकार के समर्थन में नहीं है। मोदी सरकार जुमलेबाज सरकार है और चुनाव से पहले एक इनका यह जुमला ही है, लेकिन बिहार की महिला इस जुमले में नहीं फंसने वाली। विश्वजीत आनंद, फर्स्ट बिहार, पटना। धीरे धीरे से मेरी जिंदगी में आना, धीरे धीरे से दिल को चुराना। नमस्कार, मैं अनुराधा पौडवाल 26 नवंबर को पैनोरामा स्टार सीजन 6 के कार्यक्रम में पूर्णिया बिहार आ रही हूँ। मुझे पैनोरामा ग्रुप के निर्देशक संजीव मिश्रा जी ने बुलाया है, तो हम सब मिलते हैं पैनोरामा ई होम्स में शाम 7 बजे। नमस्कार। ये लो, मुंह मीठा करो, आज मैंने अपना जॉब छोड़ दिया, अब हम पूर्णिया वापस जाएंगे। जॉब छोड़ दिया है मतलब? ये घर कैसे चलेगा, हम करेंगे क्या और माँ बाबू जी क्या बोलेंगे? इसलिए मैं एक और मिठाई का डब्बा लाया, अपने बिजनेस के लिए लोन अप्रूव हो गया। अरे लोन अप्रूव हो गया वो तो ठीक है, लेकिन पूर्णिया में हम रहेंगे कहाँ, अपना घर भी तो नहीं है वहाँ। इसलिए तो एक और मिठाई का डब्बा अलग से लाया हूँ, हमने पूर्णिया में घर ले लिया है, पूर्णिया के ई होम्स पैनोरामा में। पूर्णिया में पैनोरामा ग्रुप लेकर आए हैं ई होम्स पैनोरामा, बड़ा घर, आलीशान जिंदगी
और अत्याधुनिक सुविधाओं के संग। अरे अरे, अब क्यों मुंह मीठा करवा रही हो? क्योंकि हम घर वापसी जो कर रहे हैं। घर वापसी की खुशी पूर्णिया में ई होम्स पैनोरामा के संग। ई होम्स पैनोरामा, लग्जूरियस लाइफस्टाइल रीडिफाइंड।